नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं कहानी ऑर्फियस और यूलिडाइस की। सब लोगों को लगा कि एक बेहतरीन शादी है। दूल्हे का नाम था ऑर्फियस, एक महान कवि और संगीतकार। दुल्हन का नाम था यूलिडाइस, एक जंगल की अप्सरा। उन्हें देखते ही पता लग जाता था कि वो एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। मगर अचानक से यूलिडाइस गिर गई। जब तक भागकर ऑर्फियस उसके पास पहुंचा, तब तक वो मर चुकी थी। और उसने देखा कि जिस सांप ने उसे काटा था, वो रेंगते हुए जंगल की तरफ चला गया। ऑर्फियस गम में डूब गया और उसने तय किया कि वो मृत लोगों की दुनिया में जाएगा, और जहां से कोई जिंदा आदमी वापस नहीं आ सकता, वहां से अपनी प्रेयसी को वापस ले आएगा। मृत लोगों के भूमि पर पहुंचने के बाद ऑर्फियस अपनी वीणा बजाने लगा। उसके सुर में इतना दुख था कि सर्बरस, वो तीन सर वाला भयानक कुत्ता जो नरक के दरवाजे को पहरा देता है, उसने ऑर्फियस को जाने दिया। चैरन, जो अपनी नाव से सिर्फ मृत लोगों की आत्माओं को स्टाइक्स नदी के पार नरक के दरवाजे तक पहुंचाता था, उसने भी उस वीणा की आवाज को सुनकर ऑर्फियस की मदद की। जब ऑर्फियस हेरिस और पर्सिफनी के महल पे पहुंचा, तब उसने गाना गाया अपने अधूरे प्यार का, अपनी प्रेयसी का, जिसको मौत ने उससे छीन लिया था। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बाकी सभी जीवित लोगों की तरह यूलिडाइस भी मर जाएगी, तो क्या हेरिस, नरक का राजा, उसे बस कुछ और सालों का जीवन दान नहीं दे सकते? जब ऑर्फियस का ये गाना खत्म हुआ, तो नरक में वक्त थम सा गया। इतना दर्द था उसके गाने में कि सिसिफस ने पहाड़ से पत्थर उठाना बंद कर दिया। टैंटलूस ने पानी पीने की कोशिश छोड़ दी, जो उसे कभी पीने को नहीं मिलेगा। और तो और, उसका ये गाना सुनकर फ्यूरीज, क्रोध और आक्रोश की देवियां भी रोने लगी। हेडिस और पर्सिफनी ने ऑर्फियस की प्रार्थना को स्वीकार किया, मगर एक शर्त पर। जब ऑर्फियस मृत लोगों की भूमि को छोड़कर जाएगा, तो वो पीछे मुड़कर ना देखे कि यूलिडाइस उसके पीछे आ रही है या नहीं। अगर उसने ये किया तो यूलिडाइस की आत्मा नरक में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। ऑर्फियस वापस लौटने लगा, मगर जैसे जैसे वो जीवित लोगों की दुनिया के पास आते गया, उसे चिंता होने लगी। शक होने लगा कि यूलिडाइस क्या वाकई उसके पीछे आ रही है, क्योंकि उसे उसके कदमों के आवाज सुनाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो नरक से बाहर निकलने ही वाला था, उसने अपनी दिल की तसल्ली के लिए पीछे मुड़कर देखा, और उसी वक्त यूलिडाइस की आत्मा को नरक की तरफ खींच लिया गया। ऑर्फियस ने वापस जाने की बहुत कोशिशें की, मगर उसे वापस अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। यूलिडाइस से जुदा होने के बाद ऑर्फियस ने कसम खाई कि वो फिर कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करेगा। वो सारा दिन जंगलों के बीच एक ऊंचे पत्थर पे बैठकर प्यार करने वालों का गीत गाता रहा। गैनिमीड, एक सुंदर बालक जिसको ज़ीउस ने ओलिम्पस में देवियों और देवताओं की सेवा के लिए रखा था। मीरा, जिसने अपने पिता से प्रेम किया था और जिसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिली थी। पिग्मेलियन, जिसने पत्थर से अपनी प्रेयसी की मूर्ति बनाई थी और देवी वीनस से प्रार्थना किया था कि वो उस मूर्ति को जिंदा कर दे। और वीनस, जिसके प्यारे एरेनिस को एक जंगली सुअर ने मार दिया था। मेनेस को बहुत जलन होने लगी उस बात पे कि एक आदमी जो प्यार के गीत गाता है, वो उनसे प्यार नहीं करता। गुस्से में आकर उन्होंने एक दिन ऑर्फियस को मार डाला। ऑर्फियस की मौत पे प्रकृति ने विलाप किया। दुनिया ने दो महान प्यार करने वालों को खो दिया। ऑर्फियस और यूलिडाइस एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जब यूलिडाइस मर गई, दुनिया के सारे प्यार करने वालों का दुख और दर्द ऑर्फियस में समा गया था। मगर ऑर्फियस को आखिर में अपनी प्रेयसी के साथ एक होने का मौका मिला। मृत लोगों की दुनिया में आज भी वो दोनों स्टाइक्स नदी के पार एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों से अगले हफ्ते मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ।